भानुपल्ली बैरी बरमाना रेलवे लाइन के दूसरे चरण के सर्वे के तहत प्रभावितों को मुआवजा राशि के चेक बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भू अर्जन अधिकारी रेलवे एवं तहसीलदार बिलासपुर जय गोपाल शर्मा ने खैरिया, लखाला और बहर के प्रभावितों को 11 करोड़ के मुआवजे की राशि के चेक बांटे। दूसरे चरण के सर्वे में बहर से लेकर बैरी बरमाना तक करीब 50 गांव के प्रभावितों को मुआवजा दिया जाना है, जिसमें 3 गांव के प्रभावितों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है। यह रेलवे लाइन पंजाब के साथ लगती सीमा पर स्थित डंडोरी से बनेगी और वहां पहली टनल बनाई जाएगी। एक जंक्शन जगातखाना में, दूसरा बिलासपुर में, अलीगढ़ के पास छोटा जंक्शन बनाया जाना प्रस्तावित है। एक जंक्शन बैरी और बरमाना में भी बनाया जाना है। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो हमारा है भानुपल्ली रेलवे, भानुपल्ली से लेकर के बिलासपुर से बरमाना तक जो हमारा रेलवे ट्रैक जा रहा है, जहाँ तक सर्वे हो चुका है, वहाँ तक जो प्रथम चरण का जो 10 गांव थे उनका हमने कॉम्पनसेशन भी दे दिया था और एक्विजिशन भी हो गई थी उसकी हमारी। अभी आज दूसरा, वो तो प्रथम चरण था हमारा, आज दूसरे चरण में हमने जो 50 गांव हमने लेने थे बरमाना तक के, तो बरमाना तक के जो 50 गांव थे दूसरे चरण के, उसमें से हमने 3 गांव का आज कॉम्पनसेशन लोगों में बांटा, तकरीबन 11 करोड़ रुपये का। तो उसमें बहल पंचायत और आपका लखाड़ा और खैरिया, ये 3 गांव का जो आपने हमने कॉम्पनसेशन लोगों में बांटा, तो लग रहा है कि एक्विजिशन जो है बड़े आराम से हो जाएगा, रेलवे ट्रैक जो है वो इजीली जो है वो आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी संभावना लग रही है। अभी आगे वाले जो गांव हैं उनको भी हमने जल्दी ही आना है, वीकली हम यहाँ राउंड लगाते रहेंगे और जितना जल्दी हो सकता है, ये जो सर्वे का काम है, इसका रिकॉर्ड जो बना रहे हैं हम, इसका काम है और एक्विजिशन का काम ही, हम जल्दी इसको पूरा करेंगे और रेलवे ट्रैक को जल्दी से जल्दी आगे तक पहुँचाएंगे इसको। पीआर टीवी के लिए बिलासपुर से सुनील ठाकुर की रिपोर्ट।